Hello everyone, today we will discuss on the topic of lathe taper turning methods. Now we will discuss the taper turning methods. Basically यहाँ पे जो है four methods दिए हुए हैं. Taper turning methods by form tool, taper turning method by swelling compound rest, taper turning by tailstock offset method, taper turning by taper turning attachment. बेसिकली हम ये चार मेथड जो होता है इसको यूज करते हैं कोई भी हमारा जो टेपर टर्निंग ऑपरेशंस होता है उसके लिए. अब हम डिस्कस करेंगे टेपर टर्निंग बाय फॉर्म टू. बेसिकली इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड द टेपर इज कट ओवर द वर्कपीस बाय यूजिंग फॉर्म टूल. फॉर्म टूल के मदद से यहाँ पे टेपर टर्निंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है. सेकेंड हैंड taper turning should be sorry the taper length should be lesser than the cutting edge of the tool. जो भी हमारा cutting edge है cutting tool का उससे हमारा जो taper length है वो कम होना चाहिए. When the tool comes in the contact with the workpiece, shape of the tool generated over the workpiece by the bearing method. जैसे अभी हमने बात की तो form tool का मतलब यही है कि जो भी उसका shape है वो हमारे जो cutting tool जो workpiece है उसके ऊपर generate हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म टूल है और ये फॉर्म टूल वर्कपीस के कांटेक्ट में आ गया है. इस तरह से यहाँ से मेटल रिमूव होना स्टार्ट हो गया और आपका ये जो है ये एक कोनिकल शेप बन गया है जिसे बोलते हैं टेपर टर्निंग बाय यूजिंग फॉर्म टूल. बेसिकली इसका जो कटिंग एज है ये आपके जो टूल के जो लेंथ है जो टूल का कटिंग एज का जो लेंथ है उससे स्मॉलर है. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ टेपर टर्निंग बाय स्वेलिंग कंपाउंड रेस्ट. ये जो मेथड है दैट इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंड रेस्ट है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे स्वेल किया जाता है. यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस मेथड यूज द प्रिंसिपल ऑफ टेपर टर्निंग बाय रोटेटिंग द वर्कपीस ऑन द लेथ एक्सिस एंड एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फीडिंग द टूल एट द एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्कपीस. नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो टूल माउंटेड ऑन द कंपाउंड रेस्ट विच इज अटैच्ड टू द सर्कुलर बेस एंड ग्रेजुएटेड इन द डिग्रीज एंड द कंपाउंड रेस्ट कैन इजिली स्वेल्ड और रोटेटेड एंड क्लैंप एट अ डिजायर्ड एंगल. यहाँ पे जो एंगल है उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है और जिसके वजह से हमारा जो भी एक अल्फा एंगल होता है वो कैलकुलेट होता है. जो आपका रिक्वायर्ड डायमीटर है और ओरिजिनल डायमीटर उन दोनों का डिफरेंस अपॉन उसका जो डबल लेंथ होता है उसको उसके डिवाइड किया जाता है और जिसके वजह से जो हमको अल्फा हमको उसमें से एंगल मिलता है और वहां से हम उस जो जो सॉरी हमारा जो कंपाउंड रेस्ट है उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हमें स्वेल करते हैं. नेक्स्ट है वंस द कंपाउंड रेस्ट इज सेट एट अ डिजायर्ड हाफ टेबल रोटेशन ऑफ कंपाउंड स्लाइड स्क्रू विल कॉज द टूल टू फिट एट एंगल एंड जनरेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग टेपर. और उसकी वजह से हमारा क्या होता है उसमें एक टेपर जो होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. The movement of the single point cutting tool in this method is purely controlled by hand, thus provide a low production capacity and poor surface finish. Basically आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में कि यहाँ पे जो भी हमारा जो टूल है उसको फीड किया जाता है मैनुअली, कोई इधर कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं रहता है और जिसके वजह से जो भी हमारा जो फिनिशिंग ऑपरेशन होता है वो हमारे स्किल और एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड होता है. जहाँ पे इसका जो सरफेस का जो फिनिशिंग है वो हमारे स्किल के ऊपर डिपेंड रहता है और ये थोड़ा हमारा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसलिए इसको हम लो प्रोडक्शन कैपेसिटी और पुअर सरफेस फिनिश के कैटेगरी में रखे हुए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेन अल्फा जो एंगल है जो मैंने अभी आगे डिस्कस किया था टेन अल्फा इज इक्वल टू डी वन माइनस डी टू अपॉन टू है. इस फॉर्मूले से हमारा जो अल्फा एंगल है जिसके जो एंगल पे आपका जो ये कंपाउंड रेस्ट है उसको स्वेल करते हैं वो डिपेंड रहता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वर्कपीस है और ये टूल है जो चक के अंदर होल्ड किया हुआ है और ये आपका हेडस्टॉक, ये कंपाउंड रेस्ट और कंपाउंड स्लाइड. और इस तरह से इसको टूल के जो टूल है उसे वर्कपीस के पास ले गए और एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर इसको स्वेल कर दिया है. अब यहाँ से इसका इस तरह से मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा जब हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे. ये आपका वर्कपीस रोटेट होना स्टार्ट हो गया और इसको इस तरह से मूव किया जा रहा है जहाँ से यहाँ पे मेटल रिमूव होना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एक टेपर एंगल बनता है.
तो ये हमारा जो मेथड था इसे बोलते हैं टेपर टर्निंग बाय स्वेलिंग कंपाउंड रिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेपर टर्निंग बाय टेप स्टॉक ऑफसेट मेथड। अब यहाँ पे टेपर टर्निंग ऑफसेट मेथड से देखते हैं जहाँ पे टेप स्टॉक को कुछ डिस्टेंस के ऊपर ऑफसेट किया जाता है। लॉन्ग एंड स्लाइड टेपर्स मे बी प्रोड्यूस ऑन शाफ्ट एंड एक्सटर्नल पार्ट्स बिटवीन सेंटर। इंटरनल टेपर्स कैन नॉट बी मेड बाय दिस मेथड। पावर फीड इज यूज सो गुड फिनिश इज अवेलेबल। जो हमारा जो फिनिशिंग का जो प्रॉब्लम था वो इस मेथड में उसको इम्प्रूव किया गया है। बिकॉज मोस्ट लेथ आर इक्विप्ड विद अ टेपर टर्निंग अटैचमेंट्स एंड द ऑफसेट टेलस्टॉक मेथड इज सेल्डम यूज्ड। क्योंकि बेसिकली जो भी टेपर टर्निंग अटैचमेंट का यूज करके हमारा जो भी टेपर टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है इसलिए इसको कुछ ही हद तक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इन दिस मेथड द जॉब इज हेल्ड इन एंगल एंड द टूल मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस। जो भी आपका एक्सिस होगा वहां से उसके पैरेलल टूल मूव करेगा और जो आपका जॉब होगा उसको एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर फिक्स किया हुआ होगा। द बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक इज शिफ्टेड ऑन द बेसिस एंड द अमाउंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल टेपर एंड द टेपर कैन बी टर्न बिटवीन द सेंटर्स एंड दस एंड दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टिफ टेपर्स। यानी इसकी जो एक कमी है वो यहाँ पे दी हुई है कि ये स्टिफ टेपर्स के लिए यूज नहीं होता है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म का जो टेपर्स होता है उसके लिए ये यूज नहीं होता है। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं ये आपका जो एक्सिस है यहाँ से जो एक्सिस है थोड़ा ये ऑफसेट डिस्टेंस पे जो टेल स्टॉक है ये अपने ओरिजिनल एक्सिस से थोड़ा ऑफसेट डिस्टेंस है। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप कुछ डिस्टेंस के ऊपर ही इसको ऑफसेट किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टूल है इसको पैरेलल टू द लेथ एक्सिस फीड किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैच मार्क्स है यहाँ से इस तरह का इस पर टेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मेथड है इसे हम टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। आपका ये जो टेल स्टॉक है ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये ऑफसेट है। ये आपका टेपर टर्निंग टूल है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपका ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस तरह से आपका जो टूल है इस तरह माउंट हुआ है और यहाँ पे जो जो टूल का जो मूवमेंट है ये पैरेलल टू द एक्सिस है और ये आपका वर्कपीस थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन पे और इस तरह से टूल को फीड किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक कोनिकल टेपर्ड एंगल बन रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्कपीस आर शिफ्टेड एट हाफ द एंगल ऑफ द लेथ एक्सिस। जो भी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसको हाफ एंगल किया जाएगा टू द रोटेशन टू द लेथ एक्सिस। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं टेपर टर्निंग बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट बहुत ही पॉपुलर है और वो हर मशीन में फिट हो जाते हैं। हर अलग अलग कंपनी इस टाइप का अटैचमेंट बनाती है। इसमें क्या होता है कि जो कटिंग टूल मूव अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्क। हमारा जो वर्क की एक्सिस से पैरेलली हमारी जो टूल है वो मूव होता है कॉजिंग द फिनिशिंग जॉब ऑफ सेम डायमीटर थ्रू आउट। और यहाँ पे हमको फिनिश जॉब मिलता है कोई भी तरह का इरेगुलरिटी यहाँ पे नहीं होती है। एक फाइन शेप हमको जॉब जो जिस तरह का हमको टेपर चाहिए उस टाइप का हमको टेपर यहाँ पे मिल जाता है। टेपर टर्निंग एज अ मशीनिंग ऑपरेशन इज ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिलिंड्रिकल वर्कपीस टू अनदर पार्ट। टेपर के आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल और फर्दर जो है जो वर्कपीस इज टेपर्ड ऑन द आउटसाइड एंड इट हैज एन एक्सटर्नल टेपर। इफ द टेपर इज इनसाइड इट हैज एन इंटरनल टेपर। मतलब आप इसका बारे में तो समझ ही सकते हैं कि जो आउटसाइड टेपर होगा तो उसको एक्सटर्नल टेपर कहेंगे इनसाइड होगा तो इंटरनल टेपर कहेंगे। बेसिकली ये जो है ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट के बेसिस पे ही हमारा कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन जो है टेपर टर्निंग का वो कैरीड आउट हुआ रहता है। ये कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का। यहाँ पे जो भी आपका जॉब है यहाँ पे जो भी आपका जॉब रहता है उसके अकॉर्डिंगली ये जो है ये गाइड रहता है। ये गाइड के अकॉर्डिंगली ही आपका जो टूल है इधर ये मूव होता है। ये जो टूल है ये इस तरह से इसके रेफरेंस में मूव होता है।
इसी टाइप का जो अटैचमेंट है इसको हम बोलते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका वर्कपीस है और ये आपका जो है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये ब्रैकेट है, यहाँ पे पाइवट पॉइंट रहता है, इसको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है गाइड बार में स्विंग एट एन एंगल ऑफ द टेपर। इस तरह से हम इसको स्विंग कर दिए और यहाँ से ये जो भी हमारा ऑपरेशन है टेपर का इस तरह से फॉर्म होता है। और इस बेसिकली हम कोई भी लॉन्ग सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह का हम टेपर इस प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।